नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में WhatsApp के सारे सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी कि आपको WhatsApp में कौन से सेटिंग को ऑन करना चाहिए, कौन से सेटिंग को ऑफ रखना चाहिए और क्या क्या आपके WhatsApp में फीचर्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा भी मिस नहीं करें। हो सकता है कि आप दो चार सेटिंग्स जानते होंगे, बट आप पूरा का पूरा सेटिंग्स आपको पता नहीं होगा। दोस्तों अगर आप WhatsApp यूज करते हो और आप चाहते हो कि आपका मैसेज चैट सेफ रहे, तो आप ये वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले चलते हैं WhatsApp में, फिर वहाँ भी बातें होती रहेंगी। तो ये हमारा WhatsApp खुल चुका है फ्रेंड्स, आपको ऊपर में थ्री डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर चलते हैं नीचे, सबसे नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, फिर उसमें चलते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने जो भी WhatsApp में सेटिंग होता है, आपके सामने सब कुछ आ चुका है। हम वन बाय वन सारे सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, कौन सा सेटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा सेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कौन सा सेटिंग आपको ऑन रखना है और कौन सा सेटिंग आपको ऑफ रखना है। तो सबसे पहले चलते हैं सबसे पहला सेटिंग अकाउंट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकाउंट में चलते हैं फ्रेंड्स, उसमें भी आपका चार पाँच सेटिंग है। सबसे पहला ऑप्शन है प्राइवेसी का फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्राइवेसी में। तो दोस्तों ये हमारा पहला सेटिंग है और ये बहुत ही आसान है और बहुत लोगों को पता भी हो सकता है सेटिंग। ये जो आपको तीनों दिखाई दे रहा है, लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और अबाउट, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आपका जो लास्ट सीन है, आप कब ऑनलाइन है, वो कौन कौन जान सकता है। आपका जो DP जो प्रोफाइल फोटो होता है, उसे कौन कौन देख सकता है। और आप जो अबाउट में लगाते, उसको कौन कौन देख सकता है या पढ़ सकता है फ्रेंड। तो मैंने यहाँ लिख दिया है माई कॉन्टैक्ट्स। मतलब ये हुआ कि मेरा लास्ट सीन और मेरा DP और मेरा अबाउट, केवल जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब जो भी मैं नंबर ऐड किया हूँ अपने मोबाइल में, बस वही लोग देख सकते हैं। अगर कोई अननोन पर्सन मेरा नंबर सेव कर लेता है, तो वो मेरा फोटो नहीं देख पाएगा व्हाट्सएप का। फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले सेटिंग में। अगला सेटिंग हमारा है स्टेटस। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप जो स्टेटस लगाते हो व्हाट्सएप में, वो आपका कौन कौन देख सकता है। पहला ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट, दूसरा ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, तीसरा ऑप्शन है ओनली शेयर विद। पहला का मतलब हुआ आपके जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं वो सब देख सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, अगर आप चाहते हो कि मैं सबको दिखाऊं बट दो चार को छोड़कर, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है ओनली शेयर विद, अगर आप चाहते हो कि दो तीन के साथ ही शेयर करना चाहते हो, टोटल कॉन्टैक्ट के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, तो आप तीसरा ऑप्शन चूज करके फिर नीचे डन पर आप क्लिक कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब चलते हैं तीसरे सेटिंग पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ये है रीड रिसिप्ट। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड, आप किसी को मैसेज भेजते हो या आपको कोई मैसेज भेजता है, आप उसका मैसेज रीड कर लेते हो, तो ब्लू टिक हो जाता है। अगर आपका मैसेज कोई रीड कर लेता है, तो आपको ब्लू टिक दिखाई देता है। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे, तो आप किसी का भी मैसेज पढ़ सकते हो बिना उसे बताए हुए कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है। मैंने ये ऑफ कर दिया, तो मैं किसी का भी मैसेज पढ़ सकता हूँ, बट उसको ब्लू टिक नहीं दिखाई देगा। केवल जो ग्रे या ब्लैक कलर का टिक होता है, बस वही दिखाई दे रहा है उसको फ्रेंड। तो मैं फिलहाल इसको ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी देखना रहता है मेरा मैसेज कौन पढ़ा है नहीं पढ़ा है। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे, तो आप भी किसी को नहीं जान पाओगे कि आपका मैसेज सामने वाला बंदा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। फ्रेंड्स अगला जो सेटिंग है, चौथा नंबर सेटिंग जो है, फोर्थ सेटिंग, बहुत ही कमाल की सेटिंग है, और वो है ग्रुप्स। यहाँ आपको दिखाई दे रहा फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आप हमेशा देखते हो रहे कि आपको कोई भी अनजान व्यक्ति कोई भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हो रहा। अगर आप चाहते हो नहीं भी ऐड होना, तो भी आपको ज़बरदस्ती कोई ना कोई ग्रुप में कोई ऐड करते रहता है। तो फ्रेंड्स आप इसमें जाके आप माई कॉन्टैक्ट सेव कर लो। इससे क्या हो रहा कि आपके जो भी फ्रेंड्स, मतलब आप जिनका नंबर सेव किए हुए हो, केवल वही आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। कोई अनजान व्यक्ति आपको कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपका दोस्त भी कमीना है, जो फालतू फालतू के ग्रुप में ऐड करते रहता है, तो आप सिंपली जो नीचे तीसरा ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, आप यहाँ पर जाकर अपने किसी फ्रेंड्स को हटा सकते हो जो आपको वो ऐड न करे। आप उसका नंबर सेलेक्ट कर लो, वो आपको ऐड नहीं कर पाएगा। तो आप तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो, माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। इसके बाद आप डन दबा दो, आपका सेटिंग सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स अब चलते हैं छठे सेटिंग पे। क्या आपको कोई ट्रैक कर रहा है? क्या आपका लाइव लोकेशन कोई देख रहा है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, अभी आप कहाँ हो? तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो फ्रेंड्स, ये है हमारा लाइव लोकेशन। अगर ये नन लिखा हुआ है, तो मतलब कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर रहा है। अगर फ्रेंड्स इसको क्लिक करने पे किसी दोस्त का आपका नाम आता है, मतलब वो दोस्त आपको ट्रैक कर रहा है। यदि किसी का नंबर आता है, तो वो नंबर वाला बंदा आपको ट्रैक कर रहा है, आप अभी कहाँ हो, आपकी पूरी जानकारी उसके पास जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप सिंपली यहां से चेक कर सकते हो कि आपको कोई ट्रैक कर रहा है या नहीं ट्रैक कर रहा है। फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपने नेट सेटिंग पे। ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं जितना सेटिंग बताने वाला उन सभी से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है फ्रेंड, आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे लाइक का बटन होगा, आपको लाइक दबा देना है, और बगल में सब्सक्राइब का बटन होगा। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें फ्रेंड्स,
क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमेशा। दोस्तों तो हमारा प्राइवेसी का टोटल सेटिंग हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम अगले सेटिंग सिक्योरिटी में, इसमें क्या क्या है हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं सिक्योरिटी में। ऐसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है फ्रेंड्स, बट आप इसे ऑन या ऑफ करो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये बता रहा है यहाँ पे जो इतना सारा लंबा चौड़ा इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब यही है कि आप किसी से व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हो तो आपका चैट केवल आप पढ़ सकते हो या आप जिससे बात कर रहे हो वो पढ़ सकता है, यहाँ तक कि आपका मैसेज व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता है। बस यही एक कहना चाहता है फ्रेंड्स। अब चलते हैं तीसरे सेटिंग, टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, आपको पिन सेट करने के लिए बोलता है, यानी आपका सिम खो जाता है और आपके सिम को कोई निकाल कर अपने मोबाइल में डालकर और व्हाट्सएप बना सकता है, आपके जो भी कॉन्टैक्ट में लिस्ट हैं उनसे वो बात कर सकता है। तो दोस्त अगर आप यहाँ पिन सेट कर देते हो, टू स्टेप वेरिफिकेशन कर देते हो, तो किसी को अगर आपका सिम मिल भी जाता है तो आपका व्हाट्सएप फिर से इंस्टॉल करके यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे वहाँ पिन डालने को बोलेगा जो वो नहीं जानता है। तो इसमें सेट कैसे करना है, नीचे में आपको इनेबल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इनेबल पर क्लिक कर देना है और कोई भी 6 डिजिट का पिन आपको सेट कर देना है, फिर नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर आपको दोबारा उसी पिन को सेट कर देना है, फिर आपको ईमेल आईडी डालने को बोलेगा। आपका जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप भविष्य में अपना पासवर्ड भूल जाएं पिन को तो आप ईमेल आईडी के माध्यम से आप उसे रिकवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर आपको लास्ट में नेक्स्ट दबा देना है, इससे आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आप दूसरा व्हाट्सएप फिर से इंस्टॉल करना चाहते हो और इसी नंबर से बनाना चाहते हो तो आपको ये पिन जरूर मांगेगा। आप जब तक ये पिन नहीं डालोगे तब तक आपका व्हाट्सएप ओपन नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही कमाल की सेटिंग है, आप इसे ऑन कर सकते हो फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले सेटिंग, चेंज नंबर में। अगर आप अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हो तो आपको ये पुराना वाला व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करने जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको सिंपली क्या करना है, चेंज नंबर में जाना है और नेक्स्ट करना है, आपका जो पुराना नंबर है ऊपर में डालना है जिससे अभी आपका व्हाट्सएप चल रहा है, और आपका जो नया नंबर लिए हो वो नीचे में डाल देना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। इससे क्या होगा, आपका नंबर भी चेंज हो जाएगा और आपके जितने भी मैसेज आए गए हैं टोटल सेम टू सेम रह जाएंगे, आपको कुछ भी चीज़ डिलीट करने जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह से अपना मैसेज चैट्स को बिना लॉस्ट किए हुए आप नंबर को अपना बदल सकते हो फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट सेटिंग, वो है डिलीट माय अकाउंट। अगर आप चाहते हो आपका व्हाट्सएप पर से अकाउंट खत्म हो जाए, व्हाट्सएप का सर्वर है वहाँ से आपका पूरा जो भी डेटा है जमा सब डिलीट हो जाए, तो आप सिंपली डिलीट माय अकाउंट में जाकर आप अपना नीचे नंबर डाल के डिलीट माय अकाउंट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये थे अभी तक अकाउंट्स रिलेटेड टोटल सेटिंग। अब चलते हैं अपने चैट्स रिलेटेड सेटिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको चैट्स में मिलने वाले हैं। तो चलते हैं उसमें देखते हैं चैट्स में। दोस्तों सबसे ऊपर आपका थीम दिखाई दे रहा है, आप व्हाट्सएप का थीम बदल सकते हो, डार्क मोड या लाइट मोड में कर सकते हो। जैसे मेरा अभी डार्क मोड है, आप इसे लाइट मोड में भी आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो लाइट मोड कर सकते हो, आपका ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा, आप सिंपली इसे चेंज कर सकते हो फ्रेंड्स। नीचे में आपको दिख रहा होगा वॉलपेपर, इसमें क्या है, आप अपना व्हाट्सएप का वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। मतलब जैसे आप किसी से बात करते हो तो सिंपली ये बैकग्राउंड का जो होता है वो दिखाई देता है, बट आप चाहो तो इसको कलरफुल कर सकते हो। जैसे इतने सारे वॉलपेपर दिए हुए हैं ऑलरेडी, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डार्क मोड में भी है वॉलपेपर। आप लाइट मोड पसंद करते हो या डार्क मोड पसंद करते हो, आप जो भी चाहते हो आप यहां से चेंज कर सकते हो फ्रेंड्स। या आपके कोई गैलरी में भी फोटो है तो यहां पे माई फोटो सेक्शन दिया हुआ है, आप यहां पे जाके अपने गैलरी का फोटो भी चूज कर सकते हो। और आप अगर चाहते हो नहीं मेरा पहले वाला बैकग्राउंड मेरा सही था, वॉलपेपर सही था जो डिफ़ॉल्ट वाला था, तो आप सिंपली क्या करो, आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करके अपना पुराना वाला डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो फ्रेंड्स। ये बहुत कमाल की सेटिंग है, इंटर इज सेंड। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, मतलब क्या मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले इसको ऑन कर देता हूँ और मैं किसी को मैसेज करता हूँ तो आप समझ पाओगे इससे होता क्या है। फ्रेंड्स मैं यहाँ मैसेज कर रहा हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, हाय हेलो जो लिखना लिख दिया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, सेंड पे क्लिक न करके जहाँ मेरा इंटर जो होता है, इंटर जो मतलब यहाँ पे जो लाइन हम चेंज करते हैं कीबोर्ड से, ये इंटर बटन जो होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा मैसेज ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। मतलब आपको ऊपर जो सेंड का बटन होता है आपको वहाँ जाके सेंड पे क्लिक नहीं करना है, सिंपली आप इंटर दबा के आप मैसेज को सेंड कर सकते हो फ्रेंड्स। क्या आप भी व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज में जो भी फोटो या ऑडियो या वीडियो जो भी आता है आप उसे डाउनलोड करते हो बट वो आपके गैलरी में नहीं जा पाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपका ये सेटिंग ऑफ होगा। आप सिंपली इसे ऑन कर दो। इसे ऑन करने से क्या होता है, आपको कोई भी बंदा वीडियो या इमेज भेजता है आप उसे डाउनलोड करते हो तो डायरेक्टली आपका गैलरी में चला जाएगा। अगर ये ऑफ है तो आपका वो गैलरी में नहीं जा पाएगा दोस्त।
तो चलते हैं अगले सेटिंग में, वो है फॉन्ट साइज। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी से बात करते हो तो जो अल्फाबेट या जो नंबर लिखा हुआ आता है उसका साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो, स्मॉल मीडियम लार्ज, तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जो पसंद है आप उसे सिलेक्ट करके डन कर सकते हो फ्रेंड्स। अब देखें सबसे नीचे आपको चैट हिस्ट्री दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। चैट हिस्ट्री में क्या है, आप अगर चाहते हो कि आप जिससे भी जितना भी बात किए हो सभी नंबर्स का एक बार में ऑल चैट क्लियर करना चाहते हो, मतलब सबका मैसेज क्लियर करना चाहते हो, तो आप सिंपली यहां क्लियर ऑल चैट्स पर क्लिक करके सबका मैसेज आप क्लियर कर सकते हो, बट सबका नाम रहेगा। अगर आप चाहते हो नाम के साथ पूरा मैसेज उड़ाएं तो आपको क्या करना है, डिलीट ऑल चैट्स जो है आप सिंपली यहां से डिलीट कर सकते हो सभी के चैट्स को, आपका नाम के साथ पूरा मैसेज सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे अभी तक हमारे चैट सेटिंग, अब चलते हैं नोटिफिकेशन सेटिंग में। नोटिफिकेशन में क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। आप यहाँ से नोटिफिकेशन में आप अपना जो टोन है, रिंगटोन जो बजता है मैसेज आने पे, आप उसे चेंज कर सकते हो नोटिफिकेशन टोन। वाइब्रेशन कितना रखना है, थोड़ी देर के लिए रखना है या नहीं रखना है, आप यहाँ से चेंज ऑफ ऑन कर सकते हो फ्रेंड्स। अब है पॉपअप नोटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है फ्रेंड्स। ये क्या होता है दोस्त, अगर आपको कोई मैसेज करता है और आप अपना पॉपअप नोटिफिकेशन ऑन किए हुए तो वो मैसेज आपको सामने यहाँ पे दिख जाएगा, आप सिंपली यहाँ पर उसको रिप्लाई भी दे सकते हैं और उसका मैसेज पढ़ भी सकते हैं फ्रेंड्स। तभी काम करता है जब आपके WhatsApp में कोई पासवर्ड नहीं लगाया हुआ है। अगर आप अपने WhatsApp में पिन लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक लगाए हुए हो तो ये काम नहीं करेगा फ्रेंड्स, आपको लॉक खोलना पड़ेगा तभी आपका मैसेज सामने आ पाएगा। अब चलते हैं स्टोरेज एंड डेटा, हमारा चौथा सेटिंग जो है स्टोरेज एंड डेटा, इसमें चलते हैं। इसमें आपको नीचे में दिख रहा होगा मीडिया ऑटो डाउनलोड, इसका मतलब क्या होता है, आपको कोई इमेज या फोटो या वीडियो जो भी सेंड करता है कोई तो ऑटोमेटिक कभी कभी डाउनलोड हो जाता है, तो यहाँ से आपका वो सेटिंग ऑफ कर सकते हैं। व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, यदि आप यहाँ से फोटो पर क्लिक कर देते हो तो यदि आप अपने मोबाइल डेटा से व्हाट्सएप चला रहे हो तो कोई भी आपको फोटो सेंड करता है तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर वाईफाई में आप कर देते हो ऑल, तो अगर आप वाईफाई से कनेक्ट होते हो और कोई भी आपको मैसेज में ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट कुछ भी भेजता है तो आपका ऑटोमेटिक वो डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो इसे ऑन करना तो आप यहाँ से सिंपली ऑन कर सकते हो, अन्यथा आप इसे ऑफ ही रखें, क्योंकि अगर ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होते रहेगा तो आपका सारा डेटा खत्म हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग, अब लास्ट सेटिंग ये बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे पता लगा सकते हो क्या आपका कोई WhatsApp हैक किया हुआ है, क्या आपका कोई चैटिंग पढ़ रहा है, आप किससे मैसेज भेज रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, आप किसको कब वीडियो कॉल या WhatsApp कॉल कर रहे हो, क्या कोई देख रहा है। तो हाँ दोस्तों, आप इस सेटिंग से पता लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली बैक होना है, बैक होकर ऊपर जो थ्री डॉट है फिर उस पर आपको क्लिक करना है, और आपका जो तीसरा ऑप्शन है WhatsApp वेब, आपको इस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। आपको इस पर क्लिक करके अगर यहाँ पे नीचे में किसी भी डिवाइस का नाम दिखाई दे रहा है या कंप्यूटर नाम दिखाई दे रहा है, या विंडोज लिखा हुआ या एंड्रॉयड लिखा हुआ या रेडमी लिखा हुआ या सैमसंग कुछ भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आपका WhatsApp कोई चोरी छुपे हैक किया हुआ है, आपके मैसेज को वो पढ़ रहा है, मतलब आपके WhatsApp को एक और जगह ओपन किए हुए है, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स। तो आप सिंपली यहाँ पे जैसे लिंक या डिवाइस दिखाई दे रहा है तो आपको अनलिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सिंपली उसे अनलिंक कर दें, क्योंकि आपका मैसेज किसी के द्वारा तो पढ़ा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे WhatsApp के सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग। तो दोस्त बताना जरूर कमेंट करके आपको कैसा लगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय और मेहनत भी लगता है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।